आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, इसके द्वारा ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, यानी गेस्ट फैकल्टी के पैनल में शामिल होने के लिए वॉक इन इंटरव्यू हेतु विज्ञापन। ठीक है, तो इसमें आपके सामने ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंग्लिश के अंदर दिया गया है। मैं हिंदी के अंदर इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि विश्वविद्यालय 8 अगस्त 2024 को स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज SES डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली रोधी रोड कैंपस दिल्ली में अतिथि संकाय के पैनल में शामिल होने के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का इरादा रखता है। तो इच्छुक और योग्य जो अभ्यर्थी हैं वो अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, और साथ में प्रत्येक की एक एक जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, स्व सत्यापित फोटोकॉपी के साथ में क्या करना है, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज SES में 8 अगस्त 2024 को सुबह कितनी बजे, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक अपना पंजीकरण कराना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और एक लेटेस्ट अपडेट जो है अपना बायोडाटा और उसके साथ में पासपोर्ट आकार का अपना फोटो, ठीक है, ये आपको साथ में लेना होगा, साथ में लेकर के जाना होगा। आगे यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि इंटरव्यू के अंदर भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको किसी भी प्रकार का कोई TA या DA प्रदान नहीं किया जाएगा, और जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने पर चयन प्रक्रिया में उनको शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये जो पैनल बनाया जाएगा ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा, मान्य होगा, वैध होगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर पैनल की जो वैधता है वो चालू सेमेस्टर के पूरा होने तक बढ़ाई भी जा सकती है। अब इसके अंदर कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए ये विज्ञापन जारी किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट या डिसिप्लिन, असिस्टेंट प्रोफेसर लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी हिस्ट्री, ठीक है, ये हिस्ट्री के अंदर शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं, तो ये BEd के लिए OBC ए कैटेगरी सिर्फ। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी हिंदी कम्युनिकेटिव स्किल्स, इसमें OBC की एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, इसमें UR 1 और OBC 1, ठीक है, तो ये शिक्षा शास्त्र की पोस्ट है, BEd से रिलेटेड पोस्ट हैं। इनके लिए अप्लाई करने के लिए क्या पात्रता है, हिस्ट्री के लिए क्या पात्रता बताइए, हिस्ट्री शिक्षा शास्त्र के लिए क्या पात्रता बताइए, कि सबसे पहली बात आपके पास में हिस्ट्री के अंदर या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या बताइए, इसके साथ साथ जो आपके पास में BEd की डिग्री होनी चाहिए, और BEd की डिग्री के अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी बात क्या बताइए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जो पात्रता परीक्षा होती है NET, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के अंदर PhD आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो भी बताई गई है कि ये वांछित योग्यता है, ये अनिवार्य योग्यता है, कि इनके बिना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और ये वांछित योग्यता है, यानी अभ्यर्थी के साथ में पास में जो है ये जो योग्यताएं दे रखी है अनिवार्य योग्यताएं, इनके साथ साथ में ये योग्यताएं होने पर उसको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इसमें पहले क्या दे रखी है कि BEd, सॉरी MEd और MEd विथ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, और दूसरी है PhD इन एजुकेशन, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताइए। इसी प्रकार से जो हिंदी पेडागोजी है, ठीक है, उसके अंदर भी यही चीज़ है, यही क्वालिफिकेशन है, अलग से नहीं है, जो आपको हिस्ट्री के लिए बताई है वो ही इसी के लिए है, और जो एजुकेशन के अंदर है, ठीक है,
उसके अंदर भी यही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो बीएड वाली कट कर दी है, एमएड वाली कट कर दी है, यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर या उस रिलेटेड विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में उस विषय के अंदर जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आप क्या होने चाहिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि पीएचडी की डिग्री जो है ऐसे अभ्यर्थियों की मान्य होगी जिन अभ्यर्थियों के द्वारा यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत जो है अपनी पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड की है। ठीक है, बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या जिनकी पीएचडी की डिग्री का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, तो उनको ये 5 बिंदु जो है, इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके बगैर उनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी। और ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ये संबंधित यूनिवर्सिटी का जो डीन है या रजिस्ट्रार है उनके द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप उस विषय में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित नेट जो एग्जाम होती है वो क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी जो है वो वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हुई है, तो भी उनकी पीएचडी की डिग्री वैलिड है और वो पीएचडी के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज भी दे रखी है कि आपकी एज जो है वो 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आपको मानदेय कितना प्रदान किया जाएगा, तो इसमें एक कालांश के आपको 1500 रुपये मानदेय प्रदान किए जाएंगे और मंथली आपको जो है 50,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो ये गेस्ट फैकल्टी जो है इसके अंदर जो यूजीसी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मानदेय दिया गया है। यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग एक लेक्चरर के 1500 रुपये प्रदान किए जाते हैं और मासिक जो मानदेय प्रदान किया जाता है वो 57,700 प्रदान किया जाता है, लेकिन यहाँ 50,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बाकी ये इंस्ट्रक्शन है इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा जो विज्ञापन है वो आप पढ़ करके और फिर अप्लाई करें, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको सूचना प्रदान करने के लिए ये वीडियो बनाया है, बाकी आप पूरा विज्ञापन पढ़ने के बाद में अप्लाई करें। ठीक है, अब इसके अंदर दो दो प्रकार के अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा विशेष जो है छूट भी प्रदान की गई है। एक तो ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की गई है, यानी अगर उनके 50% मार्क्स आए हुए हैं तो भी वो जो है अप्लाई करने के योग्य हैं। दूसरी प्रकार की जो छूट है वो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की गई है जो पीएचडी होल्डर हैं। ठीक है, जो पीएचडी होल्डर हैं और जिनकी मास्टर डिग्री जो है वो 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी मास्टर डिग्री के अंदर 5% की छूट प्रदान की गई है। वो पीजी में 50% होने पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी ये जो अन्य निर्देश हैं वो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट है जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो उनको अपनी यूनिवर्सिटी के डीन या रजिस्ट्रार से ये जो फॉर्मेट है इसको सत्यापित कराना होगा। और ये 5 बिंदु जो है ये दिए हुए हैं, 5 बिंदु आपके सामने, ये बिंदु जो है उसके अंदर एड होने चाहिए, इसको सत्यापित कराना है। अब इसके अंदर चूंकि आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, और यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए ये जो टेबल 3A दी गई है यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ये टेबल 3A दी गई है, तो इसमें क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये टेबल दी गई है। इसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा और एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। वो प्रति पोस्ट जो है 6 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, वो
जो पैनल होगा, सॉरी यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि एक पोस्ट के पीछे कितने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करना है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं, इसके अंदर यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी, नेट, सेट, ठीक है, उनके अंदर आपके जितने मार्क्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, और अलग अलग डिग्री के अलग अलग मार्क्स इसमें दिए हुए हैं। पेपर पब्लिकेशन के भी मार्क्स दिए गए हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के भी मार्क्स दिए गए हैं, अवार्ड्स के भी मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रकार से टोटल जो आपका जो बनेगा एपीआई स्कोर वो 100 नंबर का बनेगा, जिसके अंदर कितने कितने होंगे, एकेडमिक स्कोर के 80 मार्क्स होंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 मार्क्स होंगे, और टीचर्स टीचिंग एक्सपीरियंस के जो है वो 10 मार्क्स होंगे। तो 100 नंबर का आपका एपीआई स्कोर बनेगा, और इसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।